जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज ज्योतिर्मय के प्लेटफॉर्म पर कॉफी विद सुमित जैन होगा। सुमित भैया के साथ एक शानदार कॉफी चाइना के टेस्ट के साथ। मामला है एक खबर जो बड़ी अजीब सी भी सुनने को मिली है, ये कि चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, जो अपने आप में मतलब पाकिस्तान की तो पता नहीं कितनी इकोनॉमी आ जाए उसके अंदर, पूरी पूरी इकोनॉमी, उतना वहां लोकल गवर्नमेंट्स पे कर्जा। मुझे उससे मतलब नहीं है कर्जा कितना है। दो चीजें जो मुझे परेशान कर रही है, जिसकी वजह से मैं भैया को परेशान कर रहा हूं, वो ये, पहला कि चाइना की जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसे साफ मना कर दिया, भैया पैसे हमसे मत मांगना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, भाग रहे जाओ। एक दूसरा, जब लोकल अथॉरिटीज के पास पैसा आना बंद हो जाता है, इसका सीधा मतलब ये है, कर्जा हो जाए या पैसा आना बंद हो जाए, तो उसका सीधा मतलब यह है कि लोकल अथॉरिटीज को टैक्स नहीं मिल रहा। इसका एक एग्जांपल डेट्रायट के अंदर हमने देखने को मिला था। डेट्रायट जो किसी टाइम पर ऑटोमोबाइल कैपिटल होता था, और वहां डेट्रायट म्यूनिसिपैलिटी कंगाल हो गई, और इतनी कंगाल हो गई, ये 2011 में हम रिपोर्ट पढ़ते थे कि वो इतनी कंगाल हो गई कि उसने एक तरीके से अखबार में नोटिफिकेशन निकाला कि कोई हमें गोद ले लो ताकि हम सरवाइव कर जाए। इतना बुरा हाल वो इसलिए क्योंकि जितनी भी कंपनीज थी डेट्रायट की ऑटोमोबाइल कंपनीज, वो चाइना पहुंच गई, एक आधी इंडिया में भी आ गई छिटकती हुई सी, और वहां कुछ बचा ही नहीं। वही कहीं वो वाला हाल यहां की लोकल अथॉरिटीज का तो नहीं है कि टैक्स नहीं मिल रहा। और टैक्स क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज गायब है। इंडस्ट्रीज अगर गायब है तो कहां गई, जनरेट नहीं हो रहा पैसा, क्या चक्कर है भैया ये? इसका मतलब अगर ग्राउंड लेवल पर सिचुएशंस, अगर एक लास्ट लाइन, ग्राउंड लेवल पर अगर सिचुएशंस खराब है, यानी रूट्स ऑफ द इकोनॉमी सूख रही है, ये ज्यादा चैलेंजिंग है। देखिए हरिमोहन जी, मुझे लगता है आप कांग्रेस को बड़ा फॉलो करते हैं और आपके फेवरेट लगते हैं मुझे, क्योंकि जैसे उनका भी सूखा था है, कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको तो एमपी भी मिल नहीं रहे हैं, टिकट बांट रहे की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हम टिकट नहीं लेंगे। वही हाल है डेट्रॉइट का, जो वहां पे हुआ था डेलॉइट का, और वही हाल आप कह रहे हो चाइना का है। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि कांग्रेस प्रेमी आप हो, जैसे उनका हाल है वैसा ही हाल डेलॉइट का था, बट चाइना का ऐसा हाल नहीं है। अब बोलेंगे यार तुसी तो अपने ससुर जी को सपोर्ट कर रहे हो, अपनी बीवी से जूते ना पड़े इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ नंबर दूंगा और आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊंगा कि चाइना में सिचुएशन क्या है। यस, यू आर पार्टली राइट, आई वुड से 90% राइट, 10% जो गैप्स हैं वो मैं फिल करने की कोशिश करूंगा। जो इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर डेट है, डेट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया जीडीपी है, ऑलमोस्ट। नाउ द नंबर इज humongous, स्मॉल बिग नहीं है, इट इज humongous। अब ये पैसा लिया क्यों था? जब आपको मालूम है 20 साल पहले चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना शुरू किया, यू नो दैट टाइम द कंट्री हैड वन टारगेट कि हम बाकी कंट्री की या बाकी कंपनीज को दुनिया की, अगर इसको यहां पर अट्रैक्ट करना है तो हमें यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, उसके बिना ये लोग नहीं आएंगे, और बाहर के लोग यहां पर आकर काम करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक टूटी फूटी कंट्री, बैकवर्ड जिसको बोलते हैं, दिखने वाली कंट्री में कोई अच्छा आदमी जाकर काम करना शुरू नहीं करेगा। तो आप समझ लीजिए इन्होंने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया उसी के कारण मैं वहां पर गया, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरे मुझे बुलाने के लिए भी इन्होंने इतने पैसे लगाए हैं। तो एक तो ये चीज है, दूसरा अब यहां पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से और इतना बड़ा बनाया कि इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि मैं जितने लगा रहा हूं क्या मुझे उतना रिटर्न भी आ रहा है। ये एक तो ये रीजन था। दूसरा ये था कि हम एक पंजाबी में वर्ड है आगे दौड़ पीछे छोड़, हम हिंदी में बोलते हैं ना आगे दौड़ पीछे छोड़, चाइना के साथ वही काम हुआ। इनको लगता था कि हम अगले 100 साल तक हम इतने ज्यादा टैक्सेस, इतनी ज्यादा ग्रोथ लेते आएंगे कि इस सबको हम सस्टेन कर लेंगे। इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एंटी चाइना पॉलिसी बन सकती है, ट्रंप जैसा आदमी आ सकता है, मोदी जैसा एवरेस्ट इनके बीच में आके खड़ा हो जाएगा, ये कभी इन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था, जिसके कारण आज इनकी ये हालत हुई है। अब इन्होंने ये पैसा क्या सिर्फ रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए लिया है,
या कोई और रीजन भी है? भाई मोदी जी की एक स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, लेकिन चाइना में क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब गवर्नमेंट के लोग हैं, आप समझ सकते हैं यहां पे भी वो चलता है, बाकी मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, तो ये चलता है। अब इसके कारण क्या हुआ, जो करप्शन लेवल था वो गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इतना ज्यादा हो गया कि दोज आर डेड प्रोजेक्ट्स जो चल नहीं रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो गई। लास्टली बिकॉज अभी इकोनॉमी डाउन है, रियल एस्टेट की जो लैंड है उसको बेचने में जो पैसे आते थे लोकल गवर्नमेंट्स को, उसी से सर्कल चलता था, वो प्रॉपर्टीज बिकनी बंद हो गई क्योंकि रियल एस्टेट ये एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं बट बायर भी होना चाहिए। आज की डेट में क्योंकि सेंटीमेंट्स बड़े नेगेटिव हैं, रियल एस्टेट बिक नहीं रहा, तो वो सब कहीं ना कहीं सब कुछ एक स्टैंड स्टिल है। अब इसको चलाने के लिए क्या ये स्टैंड स्टिल से क्या जो पौधा है वो सूख रहा है? अगर पौधा सूख रहा है तो आपको दो चीजें करनी पड़ती हैं, एक तो पानी डालना पड़ता है, लेकिन पानी डालने से पहले फर्टिलाइजर थोड़ा सा डालना पड़ता है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी न्यूट्रिशन आए। अब न्यूट्रिशन जब पौधे के अंदर जो आपने वो डालना है, न्यूट्रिशन डालना है, कौन डालेगा? वो डालेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्होंने एक चीज नोट करी है। अब कब मैंने आपके शो पे बड़ी बार बोला है, ये दुनिया को देखते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसी सही है, उसके बेसिस पर ये अपने डिसीजंस को लेते हैं। अब इन्होंने देखा कि अमेरिका में जब कोविड हुआ उन्होंने अनाप शनाप तरीके से पूरी कंट्री में पैसे को फेंका उसको रिवाइव करने के लिए। अब अमेरिका की क्या हालत है आप देख सकते हैं। भारत ने वो काम नहीं किया कि भाई हमने पूरे मार्केट में पैसा फेंका इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, हमने बोला भी हम आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं, बड़ा सस्टेन्ड वे से काम किया। वही पॉलिसी चाइना भी अभी अप्लाई कर रहा है। पहले तो इन्होंने बोल दिया आपको हम कुछ भी सपोर्ट नहीं करेंगे, दिस इज अ मेस क्रिएटेड बाय यू, क्लीन योर हेल्स, वी विल नॉट सपोर्ट यू। अब उससे क्या हुआ, कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर उन्होंने सस्टेन करना शुरू कर दिया, उन्होंने नए तरीके निकाले। फिर दूसरा उन्होंने देखा कि अभी भी जो हमारे 49-50 जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन जो वहां पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था उसको पकड़ा कि भाई जो तुम कई जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के तुम टेक ओवर कर लो, उससे उतना डेट कम हो जाएगा, वो सस्टेन कर लेंगे, वो काम हो गया। अब कुछ ऐसे स्टेट है, एस्टेट्स है जहां पर, या प्रोविंसेस बोलते हैं वहां पर, जहां पर डेवलपमेंट हुई है बट ना तो कोई प्रोजेक्ट है बेचने का, ना कोई बड़ी कंपनी है, तो वो जो स्टेट्स हैं वो डेट के अंदर हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको अब गवर्नमेंट ने बोला है वी विल सपोर्ट यू। ये जो 6 दिन का अधिवेशन हुआ है, इनका कन्वेंशन हुई है, उसके अंदर वो वाले स्टेट्स को सपोर्ट करने की बातें बोली है। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको भारत से एग्जाम्पल देता हूं। आपको याद होगा कि कई बार गडकरी जी से लोग पूछते हैं कि भाई टोल टैक्स जो है वो बहुत हैवी है, कई रोड्स हैं जहां पर टोल टैक्स जो है वो ऑलरेडी पैसे पूरे कर चुका है रोड को, आप टोल टैक्स बंद क्यों नहीं करते? तो गडकरी जी का आंसर था कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है, जैसे मणिपुर है, अरुणाचल है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां से रिटर्न्स बहुत कम है लेकिन पैसे तो चाहिए, तो जहां पर ज्यादा पैसे मिलते हैं हमें, हम वो वाला पैसा वहां पर इन्वेस्ट करके वी क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होल कंट्री। चाइना के अंदर भी ऐसा ही है कि जो 12-13 प्रोविंसेस हैं जिसको स्टेट्स बोलते हैं, दे आर कैश रिच, मनी जनरेशन है, लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं उसको सस्टेन करने के लिए वहां से पैसा वहां पर डाइवर्ट किया जाता था, अभी वो सपोर्ट नहीं है क्योंकि बाकी स्टेट्स भी थोड़े डाउन है, टाइट है पैसे से, तो इसलिए वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी है। पहले इन्होंने 1 साल तो उनको बिल्कुल समुद्र में फेंक दिया, अपने आप को बचाओ, उन्होंने बचा लिया, कुछ ने बचा लिया, इंडस्ट्री वालों ने सस्टेन कर दिया, वो बच गए। अब जो आखिरी वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको आश्वासन दे दिया गया है वी विल सपोर्ट यू विद मनी, बट स्टार्ट लुकिंग एट प्रोजेक्ट्स विच कैन जनरेट मनी एंड इनकम फॉर यू। अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अब आगे की जो चीजें हैं वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। टूरिज्म इज वन प्लेस जहां पर चाइना बहुत हैवी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, दुनिया को बोल रहा है कि आप आइए चाइना देखिए, और उसके लिए उन्होंने ट्रेवल के लिए बहुत ही इजी कर दिया, आप वीजा ले सकते हैं इजीली, चाइना में घूमना जाना है जो पहले इतना आसान नहीं था, पहली बात यह। दूसरा,
जो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है इसको प्रमोशन के लिए, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। बहुत ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो वहां पर रहता है डीपली इंडस्ट्री के साथ वही बता सकता है। यहां पर एक प्रोविंस था जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, बहुत ही गरीब, वहां पर कोई भी यंगस्टर नहीं रहता है, 70 की तो वहां पर एवरेज एज है लोगों की, गरीबी बेतहाशा थी। अब उसके प्रोविंस का जो हेड है उसने क्या किया कि वहां पर जो बूढ़े लोग रहते हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई आप आइए, ग्रैंडमास फूड यू विल गेट इन दिस प्लेस, एंड दैट प्लेस वाज नेचुरल ब्यूटी। जैसे हमारा कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट है, ऐसी ब्यूटी है, लोग नहीं है। उन्होंने उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाली और लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने वहां पर जाना शुरू कर दिया। आज वो जो बुजुर्ग लोग थे जिसको हम बोलते हैं कि यूजलेस फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, फॉर द फैमिली, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन जस्ट वन ईयर। और जो प्रोविंस है सबसे गरीब था, आज पैसों की भरमार है, एक टूरिज्म खड़ी कर दी, ग्रैंड मास फूड हैज बिकम अ क्रेज इन द होल कंट्री। अब जो बाकी के प्रोविंसेस हैं उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जब बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं खुद कंपनीज में कॉर्पोरेट्स में काम करता हूं, तो जब वहां पे मैं देखता हूं कि कंपनी डूब रही है, इसको सस्टेन करने के लिए लोग बड़ी बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, मेरा वो स्टाइल नहीं है। मैं छोटे छोटे बेबी बेबी स्टेप्स लेकर मैं कंपनी को आगे लेके जाता हूँ। वही काम चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है, इन्होंने बेबी स्टेप्स। अब आप बोलेंगे यार हाउ कैन ग्रैंड मास फूड सस्टेन अ सच अ बिग स्टेट, भी वो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और भाई जो टूरिज्म के लिए आता है वो तो पैसे खर्चने के लिए आता है, वो वहां से कुछ लेके जाने के लिए नहीं आता। ए लाइव एग्जाम्पल है J&K। आज अगर 2 करोड़ लोग वहां पर घूमने गए हैं, आप सोच लीजिए अगर वो 500 रुपए भी एक आदमी खर्च करता है, 10,000 करोड़ रुपए तो वहां पर वो स्पेंड कर रहा है। दिस इज द नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे 1 रुपया भी खर्चने की जरूरत नहीं है। वही काम चाइना भी यहां कर रहा है। मुझे कई बार लगता है कि शायद चाइनीज गवर्नमेंट बहुत क्लोजली वॉच करती है भारत की पॉलिसीज को और वो एक एक करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो एक खुशी बड़ी होती है इसको देखकर कि यार कोई तो है जो इसको जो देख रहा है, कॉपी तो मास्टर है ये और इंप्लीमेंट भी बड़ी जल्दी से करते हैं। और ये कुछ चीजें हैं। अब ऊपर से इन्होंने क्या कर दिया, जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जैसे कि ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब इसके अंदर अब देखिए अगर इतनी बड़ी कंट्री है, हर एक आदमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है, उसके चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए, जगह जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ने चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए, इनकम आना शुरू हो गया। तो ये जो चीजें हैं जो जहां पर चाइना स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आगे चल रहा है। और जो मैंने बोला आपको यू आर पार्टली राइट एंड पार्टली रॉन्ग, उसका मीनिंग क्या था, जो आप कह रहे हैं कि भी इतना डेट है, आई एग्री विद इट, बट डू दे हैव अ प्लान। द प्लान इज 3-tier plan। 1, क्लीन योर बैकसाइड। 2, हेल्प फ्रॉम द इंडस्ट्री। 3, क्रिएट समथिंग विच कैन क्रिएट इनकम फॉर यू सो दैट यू कैन सस्टेन फॉर द फ्यूचर एंड ऑल्सो कवर द पास्ट। लास्टली जो गवर्नमेंट ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट क्या पैसे से दिया, आंसर इज नो। उन्होंने बोल दिया आपकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है, अगले 20 साल के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया। दैट मीन्स 20 साल के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीज करो अपने स्टेट को आप आगे कैसे लेके जा सकते हो। और थोड़ी सी किस्मत भी चाइना की अच्छी है, यहां पर कंजरवाल, पप्पू, ममता और ऐसे लोग नहीं हैं जो फ्री बीस के चक्कर में कि ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो और कंट्री का भट्टा बढ़ा देंगे। ऐसे लोग यहाँ पर बड़ी ही अच्छी किस्मत है इनकी, ऐसे लोग नहीं है, इसलिए ये सस्टेन भी कर लेंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि यार मैं बोलता हूँ पूछता हूँ उनको, क्या भारत अपने आप को इतना कम जो डेट है हमारा क्या हम सस्टेन कर लेंगे? भाई श्रीलंका नहीं कर पाया, पाकिस्तान नहीं कर पाया, कोई भी कंट्री नहीं कर पाता है जब आप फ्रीबीज के चक्कर में पड़ते हो। इसलिए भारत में ज्यादा प्रॉब्लम है चाइना से। भैया आज की खबर है कि केरला गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट के फेवर में सपोर्ट ये किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक बेल आउट पैकेज दे दे, उसको सपोर्ट कर दे क्योंकि वो कोलैप्स कर रही है। कैन यू इमेजिन, पहले तो ये फ्रीबीज बांटते हैं, फुल फ्रीबीज,
उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं पैसे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई प्लीज इसको पैसे दे दे वरना ये मर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की माने तो मरे, नहीं माने तो ज्यादा मरे। अब आप ये बताओ करे तो करे क्या? हरी जी अच्छा उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मदद ना करे, मान लिया उन्होंने फ्रीबीज बांटनी शुरू करी और सेंट्रल गवर्नमेंट कहे ऐसा मत कर, तो कंजरवाल छाती पीटने लग जाता है, जो से रोदाली फैला देता है कि देखा मैं तो फ्री में बांट रहा था, ये केंद्र सरकार नहीं बांटने दे रही, क्या करें। केरला का बड़ा टिपिकल एक उदाहरण दिया आपने, वेस्ट बंगाल का भी यही हाल है, कर्नाटक का भी यही हाल है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, केरला गवर्नमेंट ने बोला कि हमें सस्टेन करने के लिए या स्टेट को चलाने के लिए सेंटर से फंड चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ जो सेंटर की गवर्नमेंट है उन्होंने एक ही बात बोली कि जो हमने आपको एक साल पहले पैसे दिए थे आप उसका ऑडिट तो करा दीजिए, हमने आपको पुल बनाने के लिए पैसे दिए थे पुल दिखा दीजिए, क्या ये गलत डिमांड है? वो पुल दिखा ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने वो पैसे फ्रीबीज में बांट दिए मोमेंट्स को खुश करने के लिए। तो जब दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ऑडिट हो नहीं सकता, अगले पैसे कैसे मिलेंगे? लेकिन कर्नाटक में आपको याद होगा बाढ़ आई थी कुछ महीने पहले, गवर्नमेंट उससे पहले इनसे मांग रही थी कि भी आपने एक साल पहले से जो पैसे लिए हैं उसका हिसाब दीजिए, हिसाब नहीं बना एक साल के बाद भी कि कहां कहां पैसे खर्च किए हैं। लेकिन जब बाढ़ आया तो विद इन सिक्स डेज एक एस्टिमेट भी तैयार हो गया कांग्रेस की गवर्नमेंट से कि हमारा 650 करोड़ का नुकसान हो गया है, हमें सपोर्ट चाहिए, सॉरी 650 करोड़ मांगा था, 3,350 करोड़ का एस्टिमेट भी बन गया था कि इतने का नुकसान हुआ है। 6 महीने में पूरे स्टेट का हिसाब किताब बन गया, लेकिन एक साल में जो पैसा खर्च किया है उसका हिसाब ये दे नहीं पा रहे, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिखता? क्या जो हमारे करप्ट जजेस है क्या उन्हें नहीं दिखता कि क्या हो रहा है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझकर पैसे रोक रही है या देश को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरा नेक्सस है, ये बंद होना चाहिए। मैं देखो चाइना के कुछ पॉलिसीज हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक तो जो जिहाद की फैक्ट्री है उसे कैसे तोड़ा जाता है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। और दूसरा जो ये फ्रीबीज का चक्कर है इसे उन्होंने कभी भी मान्यता नहीं दी, कुछ भी फ्री देने से इनकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, और लोग भी वहां पर फ्री मांगने में विश्वास नहीं रखते। मुझे लगता है सारे के सारे जैनी हैं, सारे मारवाड़ी हैं। गुजरात में भी कभी भी फ्रीबीज का चक्कर नहीं चलता है और यहां पर भी चलता नहीं है, इसीलिए कंट्री ने तरक्की करी है। सुप्रीम कोर्ट को मैं बार बार बोलता हूं इतने करप्ट जजेस हमने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखे हैं और इनका इम्पीचमेंट तो बनता ही है यारो, कैसे करना है ये हम मिलकर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मैं तो कर रहा हूं। चाइना होंगे, आप चाइना होंगे, हम यहीं पे हैं। हरी बोल जी, मैं अभी यहां हूं, मैंने मुहिम चलाई हुई है पूरी कि इनको इंपीच करना चाहिए, लोगों की सिग्नेचर लेकर हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है। देयर आर टू थिंग्स वी वांट अ चेंज, वन इज चेंज ऑफ दिस इंपीचमेंट ऑफ दिस करंट जजेस, सेकंड इज कोलेजियम सिस्टम को खत्म करना। एनीवेज ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा चाइना का था। चाइना जो आज की डेट में अपने आप को सस्टेन कर लेगा इतने हाई लेवल ऑफ डेट को भी भारत नहीं कर सकता, बिकॉज अगर आप देखेंगे अपने पास आज की डेट में 8-9 स्टेट ऐसे हैं जहां पर फ्रीबीज इतने दिल खुश होकर बांटे जा रहे हैं और उसका रेपरकेशन बाकी स्टेट्स के ऊपर भी आ रहा है। भाई आपको क्या लगता है, वेस्ट बंगाल हो, आज पंजाब है, दिल्ली है, केरला है, ये छोटी प्लेसेस नहीं है, हाई पॉपुलेशन की जगह है। और इनसे पहले आज अगर हम यूपी की बात करते हैं, आज वहां पर फ्रीबीज नहीं है लेकिन पुरानी तो चल रही है, जो पुराने डेट्स लिए हुए हैं उसको भी रीपे करना है, नए के भी नए जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो काम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा टाइट है, एंड मोदी जी कैसे इस टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं ये रिमार्केबल है। बट एज फार एज चाइना इज कंसर्न, आई एम 100% श्योर कि जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, मैं इनको बड़ी क्लोजली वॉच करता हूं, ये अपने आप को सस्टेन कर लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका दुश्मन है भाई, आपका नहीं हमारा सबका दुश्मन है, और मेरे थोड़ा सा कम है, मेरी वाइफ वहां से है, तो लेकिन ये अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। नो आई वुड से 90% है, वाइफ में से थोड़े से एलिमेंट तो दुश्मनी के आ ही जाते हैं, तो और सही
और तो ये जो सस्टेन करने का, जो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, ये बड़ा ही क्रूड बेसिक लेवल पे है, जो बहुत डीपली आपको स्टडी करने से पता लगता है। और कई और स्टेप्स भी हैं, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, ही इज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन्होंने क्या किया है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, उसको खुली बड़ी जगह चाहिए, पॉल्यूशन फ्री चाहिए। अब ये पॉल्यूशन फ्री जगह कहाँ मिलेगी आपको, जो ये प्रोविंसेस हैं जो अच्छे काम नहीं कर रहे, सपोजिंग शिनजियांग है, या उधर जो हुबे है, ये ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये सारी इंडस्ट्री को उन स्टेट्स में लेके जा रहे हैं ताकि वो सस्टेन भी कर लेंगे, और वो भी एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बन जाएगा दूसरे स्टेट्स को बचाने के लिए। दैट मीन्स बोझ जो आज 10-12 स्टेट्स के ऊपर है, वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे चाइना में। क्या ये आपको इसकी हल्की सी भनक नहीं लगती कि भारत में भी ये काम हो रहा है? उन्होंने उसी चीज को सीखा है कि भी भारत हर स्टेट में इंडस्ट्री को बढ़ा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बातें करते हैं, चाइना ने पहली बार वो बातें यहां पर करनी शुरू कर दी हैं। दैट मीन्स हर चीज की रिफ्लेक्शन आपको दिखती है कि बड़ा सस्टेन्ड वे से पॉलिसीज बन रही हैं। आप सिर्फ 2 साल वेट कीजिए, यू विल हैव यू विल सी अ रिमार्केबल चेंज। आई फोरसी अ रिमार्केबल चेंज, क्योंकि अगर सीधे तरीके से काम नहीं होता, टेढ़ी उंगली तो इनको करनी बहुत अच्छी तरह से आती है। दोस्तों, इस तरीके से सुमित भैया ने बताया कि भाई असलियत में नहीं डूबने वाला इतनी जल्दी, वो रिफॉर्म्स का पार्ट है। और रिफॉर्म्स में कभी कभार क्या होता है, खबरें बाहर आती हैं तो छन छन के, तो उसमें शोर ज्यादा मच जाता है, इतनी रियलिटी नहीं होती जितना शोर मच जाता है। और यहाँ रियलिटी कम हरी भाई, और शोर ज्यादा है। एक और भी इशू है, नेगेटिविटी सेल्स फास्टर देन पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी को स्प्रेड करने से दुकानदारी चलती है यार, तो चलाने दो ना, क्या दिक्कत है? कई तो लोग 3 साल से बोल रहे हैं कि अगले महीने चाइना टूट जाएगा, डूब जाएगा, और वहां पे विद्रोह हो जाएगा। हुआ तो नहीं है, डूबा भी नहीं है, और विद्रोह भी नहीं हुआ। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जो लोगों को खुद को समझनी चाहिए कि यार हम इतनी देर से एक ही बात को, ओ गया 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 गया, गया हम सुन रहे हैं, हुआ तो नहीं है, तो आगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है, हर चीज पकड़ में है, जो पकड़ में नहीं है उसको पकड़ने के लिए सुमित जैन मौजूद है। इसी के साथ सुमित भैया को अभी थोड़ा रिलीव करेंगे, आज उन्होंने बड़े हैक्टिक उसमें टाइम निकाला है। और भैया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जो आपने हमारे आपके चैनल लिए पे आने का ऑलवेज वो दिया। ऑलवेज अवेलेबल। तो मामला ये है कि ज्योतिर्मय को और कॉफी विद सुमित जैन दोनों चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद भैया। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.